इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलो समझ में आ गया, चलो हमने मान लिया कि पाकिस्तान में ये लॉ है, मगर ये पाकिस्तान तक नहीं रहे, महदूद हो रहे। सबसे ज्यादा इस चीज पे तौहीन रिसालत पे ना हमारे पाकिस्तानियों की गांड में कीड़ा होता है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था, यहाँ पे ऐसी बातें होती है। आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स, और कहाँ कीड़ा होगा इनको। कीड़ा होता है कि नहीं, हमने पूरी दुनिया में हमने ही इस्लाम को प्रोटेक्ट करना है, हम है सिर्फ इस्लाम के मुहाफिज। सऊदी अरब गया भाड़ में, टर्की गया भाड़ में, कतर गया भाड़ में, पाकिस्तान, अरे जितने कितने मुल्क है, 53 मुल्क है ना मुसलमान मुल्क, वो सारे चूतिया है, उनको पता ही नहीं इस्लाम का। हम है ना इस्लाम के मुहाफिज, हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हम पूरी दुनिया को बताएंगे ब्लास्फेमी लॉ क्या होता है, और हम चाहते हैं पूरी दुनिया इस पे अमल करे। यानी आप अपने मुल्क में तो करो ही तो करो, तो आप ये लेकर इंग्लैंड क्या कहते हैं वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इन जगहों पे भी लाना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पे भी हमारी गर्दन पकड़ के हमको चुप करा दें, हम यहाँ पे भी नहीं बोल सके, यहाँ भी सांस नहीं ले सके। और ये हो गया है यहाँ पर भी। अगर आपको याद हो तो फ्रांस में एक बंदे का गला काट दिया था। नहीं, एक्चुअली लेट्स बैक अप अ लिटिल बिट मोर, पहले थोड़ा और पीछे जाते हैं। अयान हर्सी अली, अयान हर्सी वाज समवन जो कि इन चीजों पे, वो सोमालियन औरत है जिसके साथ FGM हुआ था। FGM मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जैसे कि आपके खतने होते हैं ना मर्दों के, इस तरह से औरतों के भी खतने होते हैं, और औरतों को ऐसे सी दिया जाता है और सिर्फ वेडिंग नाइट पे खोलते हैं उनकी सिलाई। ओके, इससे औरत को सेक्सुअल प्लेजर नहीं आता है, आप औरत का सेक्सुअल प्लेजर ही खत्म कर देते हैं। ये प्रैक्टिस जो है ज्यादातर अफ्रीकन उस साइड पे होती है, बोरी लोग जो है पाकिस्तान में वो भी ये करते हैं। अब हर मुसलमान ये करता नहीं है, राइट? वही तो बता रही हूँ ना, हर चीज इनकी डिफरेंट है। कोई सेक्ट ऑफ मुसलमान कोई चीज कर रहा होता है, कोई सेक्ट कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ, इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस। सो अयान हर्सी अली ने बहुत पहले, आई थिंक 2000, आई फॉरगेट कि किस साल में इन्होंने ये करा था, बट आई एम गोना जस्ट गूगल इट राइट अवे। 2004 में बनाई थी, हाँ। तो अयान हर्सी अली ने और इनके साथ एक और बंदा था, 2000 डच शॉर्ट फिल्म है ये, ये थियो, हाँ, सो ये थियो वैन गॉग इनका नाम है, आई थिंक ही वॉज ऑल्सो डच, हाँ। सो एनीवेज, हिम एंड अयान हर्सी अली दोनों ने ये मूवी बनाई थी जिसका नाम था सबमिशन, एंड दिस इज गोइंग बैक, मैंने क्या बताया था अभी, मेरी तो याददाश्त बिल्कुल खराब हो गई, 2000, मैंने क्या बताया था, 2004, राइट? हाँ, 2004. तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम 2004, और उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, और इस बंदे के साथ क्या किया गया फिर, ये मैं आपको वेस्ट की बात बता रही हूँ, ये मैं आपको पाकिस्तान की तो बात बता ही नहीं रही हूँ, ठीक है ना? सो लेट मी शो यू के ये बंदा कौन है जिसने ये मूवी बनाई थी अयान हर्सी के साथ। ऑलराइट, जस्ट बेयर विद मी। तो इस बंदे का नाम है थियो वैन गॉग। ही वाज बोर्न इन 23 जुलाई 1957 और 2 नवंबर 2004 को इसको मार दिया गया था। तो इसको किस तरह मारा था, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम देखते हैं मर्डर, इनका मर्डर किया था। तो इनको पहले तो गोली मारी थी और स्टैब किया था। ये मोहम्मद बोयर, अ मोरक्कन डच कन्विक्टेड टेररिस्ट सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल इन प्रिजन। अब वो प्रिजन में, मगर जब ये साइकिल कर रहे थे मॉर्निंग में, अपनी साइकिलिंग के लिए निकले होंगे, तो इस बंदे ने सम बायस्टैंडर एंड लेफ्ट नोट पिन टू वैंगर स्टमक विद अ नाइफ कंटेनिंग डेथ थ्रेट्स टू अयान हर्सी हू वेंट इनटू हाइडिंग। तो अयान हर्सी अली जो थी वो हाइडिंग में पहुंच गई थी, मगर इस बंदे को लिटरली, उस बंदे दूसरा जो टेररिस्ट था, उसने आके इसकी गर्दन काट दी थी और गर्दन पकड़ के खड़ा हुआ था वहां पे। ही वॉज होल्डिंग हिज हेड, लाइक दैट वॉज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग। ये नहीं है ना कि आप गोली मार के मार दो, ना भैया ना, जब तक काटेंगे नहीं ना, जिबानी करेंगे, इनको ठंड नहीं पड़ती है, ये इनको ठंड ही सिर्फ खून देखकर जिबा करते हुए ना, फिर ही इनके दिल में ठंड पड़ती है। ये इतने बारबेरिक, जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं, ठीक है ना? लास्ट में जो कोई कह रहा था ना जानवरों से नहीं कंपेयर किया करें, नहीं, जानवर अच्छे होते हैं, आप लोग जो है ना जानवर से भी गए गुजरे लोग। सो दिस वॉज इन 2004। फिर हमको पता चला कि 2000 अभी कब था, अभी 2 साल पहले की बात है ना, जो फ्रांस में एक बंदे का गला काट दिया,
ठीक है ना, क्यों क्यों उस टीचर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो टॉपिक है उस पे उसने वो कार्टून्स जो है चार्ली हेब्दो ने जो बनाए थे वो दिखा दिए थे, और उससे पहले सॉरी मैं भूल गई, मगर चार्ली हेब्दो जिन्होंने चंद तस्वीरें बनाई थी जो सैटायर एक मैगजीन है, वो हर रिलीजन पे सैटायर्स करते हैं, उन्होंने इन पे भी किया एंड उन पे अटैक हुआ, वहां पर भी लोगों को मारा गया। ठीक है, अब ये टाइम था कि वेस्ट वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, गोरों को तो पता ही नहीं था भैया ये भी कोई चीज है, ऐसे भी कोई लोग है, ऐसे भी कोई लोग, ऐसी कोई चीज होती है, यू नो, जैसे कि मैंने अभी वो बनाया था एक वीडियो बनाया जो मेकअप और एक कहानी पे शफिया फैमिली पे, उस वक्त वेस्ट को ये नहीं पता था कि ऑनर किलिंग भी कोई चीज होती है, तो वेस्ट तो ऐसा ऐसा जानना शुरू हो रहा है ना ये कि अच्छा ऑनर किलिंग भी कुछ होता है, ब्लास्फेमी भी कुछ होती है, तौहीन रिसालत भी कुछ होती है। तो फ्रांस में उस बंदे को मारा गया। अभी लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि एक और टीचर है यूके में जो छुपा हुआ है, और उसकी कोई ना गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई हेल्प कर रहा है ना कोई हेल्प कर रहा है, ही इज हाइडिंग, ही हैड टू लीव हिज जॉब, अपनी जॉब छोड़ गया है क्योंकि सारे मौलवी साहब जो है वो सारे पहुंच गए थे उसके स्कूल के बाहर, वहां पर जाकर उसको धमकियां दे रहे थे, यू नो। इसी तरह से एक वो जो है क्या नाम है यार, आई वॉज इन हिज स्पेस यस्टरडे, गौहर नाम है उनका, उनके ऊपर भी यही हुआ था, उनपे भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था 2017 में, और फिर वो आई थिंक ही वाज इन नेदरलैंड या एम्स्टरडम में था, वो जो एक बंदे को हायर किया था पाकिस्तान से, वो बंदा आया था और इनको मारने के लिए जा रहा था, मगर इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले ही पता चल गया था एंड दे कैप्चर्ड हिम, राइट। सो हम लोग भी जो यहाँ बात कर रहे होते हैं ना, ये नहीं है कि हम बाहर बैठे हैं तो हमारी जाने सेफ है, ना, नो, दीज पीपल आर हियर टू, किसी साइको का नहीं पता कौन कभी किसी वक्त उठ के आ जाए और हम पे यू नो वार कर दे। बात ये हो रही है कि अब हुआ ये है कि एक यहाँ पे मोहतरमा है नाम से, जिनका नाम है यार क्या, यूएस में एक कांग्रेस वुमेन है, ठीक है, तो वो कांग्रेस वुमेन जो है वो यहाँ पर मुसलमान है, वो ऑब्वियसली इलहान उमर नाम से आपको पता चल गया होगा, और वो यहाँ पर आई, आई डोंट नो कि व्हाट ईयर शी केम हियर, मुझे इतना नहीं पता कि वो कब यहाँ पर आई, मगर उसने सारी एजुकेशन यूएस में हासिल की, यूएस ने उसको सब कुछ दिया, ठीक है, एंड यार हाउ डू आई टेक दिस अवे, हाँ ओके, तो यूएस ने सब कुछ दिया, एजुकेशन दी उनको, ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो कांग्रेस वुमेन बन सके, ठीक है ना, और जैसे वो कांग्रेस वुमेन बनी तो वहीं पे यूएस के ऊपर ही आग उगलनी शुरू कर दी, उन्हीं के लिए जहर उगलना शुरू कर दिया कि ये मुल्क खराब है, मुसलमानों के कोई राइट्स नहीं है, मुसलमान ये है तो मुसलमान विक्टिम कार्ड, वही, और इन्होंने यहाँ पर ब्लास्फेमी, एक ये और एक वो है लिंडा सरसोर, तो इन्होंने ये करा है कि यहाँ पर ब्लास्फेमी पे, कि यहाँ भी ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए, इस्लामोफोबिया के नाम से जो इन्होंने स्टार्ट किया ना मुहिम, सो दिस इज व्हाट ही, तो अब ये मैडम पहुंची है बनीगाला इमरान खान से बातें करने के लिए, इमरान खान के साथ पता नहीं क्या इन लोगों ने गुफ्तगू, हाँ इसी पे गुफ्तगू करने गए, इस्लामोफोबिया टू कंट्रोल इस्लामोफोबिया, जैसे कि मुझे बोलते हैं ना लोग यूर इस्लामोफोब, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फोबिया इज एन इरेशनल फियर, फोबिया एक इरेशनल फियर होता है, इरेशनल फियर खामा खाई का डर, ठीक है ना, चंद लोगों को खामा खाई का डर होता है स्पाइडर से, चंद लोगों को खामा खाई का डर होता है अंधेरे से, चंद लोगों को खामा खाई का डर होता है ऊंचाई से, राइट, मगर इस्लाम से खामा खाई का डर नहीं है, इट्स अ वेरी मच रैशनल फियर, इट इज नॉट एन इरेशनल फियर, सही है ना, इट इज अ रैशनल फियर, जैसे कि गेज हो जाए तो उनके लिए इरेशनल फियर नहीं है, उनके लिए रैशनल फियर है, क्योंकि गेज अगर मुसलमान कंट्रीज में पकड़े जाते हैं तो उनको उठाकर जो बिल्डिंगों से नीचे फेंक दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, राइट, और जो अपोस्टेट्स होते हैं जो इस्लाम को छोड़ देते हैं उनका क्या है, उनको कतल कर दिया जाता है, अगर इस्लाम में क्वेश्चन करें तो आपको कतल कर दिया जाता है, तो औरतें जो है उनको क्या डर नहीं लगना चाहिए, ये तो इट्स नॉट इरेशनल फियर, बहुत ही वाजिब इनका फियर है, वाजिब डर है लोगों का, तो हाउ कैन यू से इस्लामोफोबिया, ठीक है, और यहाँ पर भी 2017 की ही बात है, यहाँ पर भी एक है जो एमपी बनी बैठी है यहाँ पर, क्या नाम है यार उसका, मुझे नाम याद रहता है, व्हाट द हेल इज हर नेम, टोटली फॉरगॉट, मगर यहाँ की एक एमपी है और उन्होंने इस्लामोफोबिया पे M103 जो है वो करा था, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ M103 तो उसका नाम आएगा फिर कुछ ना कुछ, इकरा खालिद ये जी, तो ये एक और है जिन्होंने यहाँ पर ये करवाया, इकरा खालिद ने M103 करके इस्लामोफोबिया ये वो करके इन्होंने डाल दिया, पास भी हो गया, मगर अभी तक डिफाइन नहीं किया है इस्लामोफोबिया के अंदर क्या चीज इस्लामोफोबिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि इस्लाम में गेज को कत्ल कर दिया जाता है, क्या ये गलत है या ये फैक्ट है, क्या औरत के साथ
खतने हो जाते हैं, इज दैट इस्लामोफोबिया या इट्स अ फैक्ट? तो आपको डिफरेंशिएट, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज इस्लामोफोबिया। मुस्लिम फोबिया आप करो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मगर एक आइडियोलॉजी के ऊपर बात करना, जो आइडियोलॉजी इतनी खतरनाक है, उस पर बात करने में आप किस तरह वो कर सकते हो? तो अभी तक आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी, मैंने अभी तक कनाडा में किसी को नहीं सुना है, मैं खुद बैठ गया यहां पे बात करती हूँ, अभी तक मैंने किसी का नहीं सुना है कोई गिरफ्तार हुआ होगा इसके अंडर, यू नो। सो दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंसाइट करूं, मैं यहाँ पर हेट्रेड इंसाइट करूं मुसलमानों के लिए कि भाई ये ऐसे हैं, इनको जाके मारो, राइट? एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि इनको जाके मारो, तो वो जो है हेट स्पीच में आ जाती है, और हेट स्पीच की ऑलरेडी यहाँ लॉज है कैनेडा में। तो जब ये चीज स्टार्ट हुई थी तो वी वर लाइक व्हाई डू वी इवन नीड दिस, व्हाई डू वी नीड दिस, जब हेट स्पीच पे ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं। सो ये यहाँ पर है। तो अब इनके जो जितने ये मोहरे, मैं कहूंगी ये सारे मोहरे हैं, राइट? ये इल्हान उमर हो जाए, ये इकरा खालिद हो जाए, ठीक है ना? आप औरतों को तो बाहर निकल के काम करना ही नहीं अलाउड है इस्लाम में, आप तो इस्लाम के खुद खिलाफ जा रही हैं। हाँ, इकरा खालिद जी, आपके तो बाल दिख रहे हैं, हराम हराम हराम, आप तो खुद खुद ये लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं, बाकी सब काफिरों से कहते हैं आप लोग इस्लाम फॉलो करो, यू डू दैट, यू नो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।